नमस्कारम दोस्तों, आज का सवाल है कि कभी कभी हम जानवरों जैसा बर्ताव क्यों करने लगते हैं। तो हम कभी कभी नहीं, हम ज़्यादातर जानवरों जैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि अभी हम जानवर ही हैं, अभी हम मनुष्य हुए नहीं हैं। कैसे समझते हैं? किसी व्यक्ति को पुलिस की ड्रेस दे दी जाए और उससे कहा जाए कि जाओ तुम अपनी ड्यूटी करो, तो क्या वो ड्यूटी कर लेगा? वो सभी पुलिसकर्मियों में ड्यूटी करते हुए अलग दिखाई देगा, और जो ड्यूटी करेगा वो सब अंटसंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि पुलिस की ड्रेस मिलना अलग बात है, और पुलिस वाला बनने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाता है। वो प्रशिक्षण जब कोई ले लेता है तब वह पुलिस वाला बनता है। वैसे ही अभी हमें सिर्फ ये मनुष्य की ड्रेस मिली है, मनुष्य होने का प्रशिक्षण नहीं मिला। तो अभी तक हमने जो जो कैरेक्टर प्ले किए हैं अपने जीवन में, कहते हैं ऐसा कि हम 84 लाख योनियों से होकर के आए हैं, और इस बात को अब वैज्ञानिक भी धीमे धीमे पता लगा रहे हैं और पता लगा ही लेंगे कि हम जितनी योनियाँ होती हैं पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, उन सब से होकर के आते हैं, और बाद में हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट एमके के अनुसार इस दुनिया में 87 लाख के समथिंग प्रजातियां हैं। तो वो 87 लाख तक पहुंचे हैं। धीमे धीमे वैज्ञानिक इस बात को पता लगा लेंगे कि हम 84 लाख शरीरों से होकर के आए हैं, मतलब 84 लाख योनियों से गुजर करके हमारी चेतना को इस बार ये मनुष्य की ड्रेस मिली है, लेकिन प्रशिक्षण नहीं मिला, इसलिए हम इसका रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, जो शरीर हमें मिला, उस शरीर की स्मृतियाँ हमारे भीतर संचित होती रहती हैं, और वो शरीर तो बदलता है लेकिन वो स्मृतियाँ हमेशा साथ चलती रहती हैं। जैसे हम बैठे बैठे देखते हैं कि कभी कभी अपने आप ही हमारा बहुत बोलने का मन करने लगा, बहुत भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जब हम कुत्ते थे तब उस कुत्ते के संस्कार हमारे भीतर प्रकट हो गए। कभी कभी हमारा मन करता है किसी पर छीना झपटी करने का, हम जब बिल्ली थे वो संस्कार हमारे भीतर प्रकट हो गए। कभी कभी हम शिकारी हो जाते हैं, तो जब हम शेर थे वो प्रकट हो गए। कभी कभी हम किसी की हानि करना चाहते हैं, जब हम सांप थे वो प्रकट हो गए। कभी कभी हम किसी में दंश दे देते हैं, तो जब हम बिच्छू थे वो संस्कार प्रकट हो गए। और जितने कैरेक्टर हम प्ले करके आए हैं, जो ड्रेसें अभी तक हम पहन करके आए हैं, उन ड्रेसों की स्मृतियाँ हमारे साथ चल रही हैं, और वो स्मृतियाँ निकलती रहती हैं, और हम उनसे प्रभावित होते रहते हैं, और उसी तरीके से हम उनके संस्कारों से अपने इस मनुष्य जीवन को भी उन पशु पक्षियों की तरह ही बनाते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वो सबसे महत्वपूर्ण जन्म है। ये जो हमें मनुष्य योनि की ड्रेस मिली है, ये सबसे अहम ड्रेस है, इसलिए इसका प्रशिक्षण भी सबसे अहम होना चाहिए। लेकिन यही एक ऐसा जन्म है जिसमें हमें कैसे प्रशिक्षित करना है, मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाए, इस शरीर को कैसे हैंडल किया जाए, इस जीवन को कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में कोई प्रशिक्षण दिया ही नहीं जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति को पायलट की ड्रेस मिली और उसे प्लेन उड़ाने का कोई प्रशिक्षण ना दिया जाए, तो क्या होगा उस ड्रेस का, क्या करेगा वो? वो एरोप्लेन उड़ा ही नहीं पाएगा, और एरोप्लेन की खासियतों से उससे क्या क्या काम कर सकता है वो, कितनी जल्दी दूसरी जगह गति कर सकता है, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, उनसे वो परिचित हो ही नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हमें ये मनुष्य ड्रेस तो मिल गई, लेकिन इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा क्या क्या फायदे लिए जा सकते हैं, उनसे हमारा परिचय नहीं हुआ है। तो एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी हम एक मामूली सी चपरासी की तरह अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। एक कहानी से समझते हैं। एक शेर का बच्चा भूल भटक कर बकरियों के झुंड में भर्ती हो जाता है।
बकरियों के साथ रहता है, वैसा ही प्रशिक्षण उसे मिलता है। जो वो खाती हैं वही खाता है। वो कुत्ते से डर करके भागती हैं तो ये भी कुत्ते से डर करके भागने लगता है। इसे जो शरीर है, इसे जो ड्रेस है, वो किसकी मिली है? शेर की। लेकिन इसका आचरण बकरियों की तरह हो गया है, क्योंकि प्रशिक्षण वैसा मिला है। एक बार वो कुत्तों से डरकर बकरियों के साथ भाग रहा था तो किसी शेर की नज़र पड़ी। उसने कहा, ये तो शेर समाज के लिए बहुत अपमानजनक बात है कि एक शेर का बच्चा कुत्तों से डरकर भाग रहा है। वो शेर उसे उठा करके अपने साथ जंगल में लाता है। उसे तमाम तरीके की ट्रेनिंगें दी जाती हैं, तमाम तरीके के मनोवैज्ञानिक बुला करके उसे समझाते हैं, तमाम तरीके के मोटिवेशनल गुरु उसे समझाते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि तुम शेर के बच्चे हो। तब कहीं वो लाइन पर आता है। वैसे ही दोस्तों हमारी हालत है। मनुष्य होकर के भी हम इस मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठा पाते हैं, और जिन जिन कैरेक्टरों को हम प्ले करते हुए आए हैं उन्हीं कैरेक्टरों के संस्कारों से प्रेरित होकर इस महत्वपूर्ण जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। जबकि ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम उन सभी संचित कर्मों को, उन सभी याददाश्त को समाप्त कर सकते हैं और मनुष्य से ईश्वर तक की यात्रा कर सकते हैं। हम मनुष्य ही नहीं, हम ईश्वर भी हो सकते हैं। लेकिन यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो जो इनर इंजीनियरिंग है, अपने भीतर झांकने की जो टेक्निक है, वही हमारे मनुष्य होने का प्रशिक्षण है। उसको हम किसी भी सेंटर में जाकर के ले सकते हैं, तभी हम अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं, वरना हम सिर्फ जानवर हैं और जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हो तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज को धर्म सेवा के लिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।